दोस्तों आज हम वास्तु में बात करने वाले फॉल सीलिंग की। बहुत डिफरेंट टाइप्स की फॉल सीलिंग आजकल देखने को मिलती है, एक से बढ़कर एक सुंदर डिज़ाइन मिलते हैं। दोस्तों इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, वास्तुशास्त्र में इनकी भी बहुत लिमिटेशंस हैं। आकाश तत्व होता है दोस्तों फॉल सीलिंग में, जो भी आप छत पे करते हैं अपने घर में, अपने बेडरूम में कर रहे हैं, कॉमन एरिया में कर रहे हैं, लिविंग रूम में कर रहे हैं, ये आकाश तत्व है दोस्तों। तो आकाश तत्व को जितना आप डिस्टर्ब करेंगे ये उतना आपको नुकसान करेगा। अब आकाश तत्व है तो आप जाहिर सी बात है या तो ब्लू कलर का आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या वाइट का कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी अगर कलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको नुकसान कर सकता है दोस्तों। कोई भी आपने बहुत बार डिज़ाइन देखते हैं कि रेड कलर का इस्तेमाल कर रखा है और ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रखा है, ब्लैक का इस्तेमाल आजकल लोग करने लगे हैं, तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको फॉल सीलिंग में कभी भी किसी भी नेगेटिव कलर का इस्तेमाल नहीं करना। आकाश तत्व से रिलेटेड जो कलर्स हैं ब्लू एंड वाइट, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों, मिरर का लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फॉल सीलिंग में आप मिरर का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली बेडरूम में कभी भी आप मिरर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेडरूम में मिरर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है दोस्तों, अगर आप फॉल सीलिंग में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है शैंडलियर का। आप देख सकते हैं शैंडलियर बहुत सुंदर लगता है और ये एनर्जीज को बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है। आप कहीं भी अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में कहीं पे भी अगर छत पे शैंडलियर लगाते हैं दोस्तों और शाम के टाइम अगर आप उसको जलाते हैं तो ये आपके घर में पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। ये आपके घर में पॉजिटिविटी को एनहेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों, तो ये शैंडलियर ज़रूर लगाएं। और एक लास्ट पॉइंट आता है, आपको आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा हमने देखा है अपने क्लाइंट्स के यहाँ प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल हो रहा है ऊपर फॉल सीलिंग में, डिफरेंट डिज़ाइन बनाने के लिए प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं लोग। तो आपको कभी भी फॉल सीलिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना। आप लकड़ी का जितना मर्जी आए इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी का वुडन डिज़ाइन बहुत बनते हैं दोस्तों फॉल सीलिंग में। वुड का इस्तेमाल बहुत होता है फॉल सीलिंग में, वो आप कर सकते हैं, वो पॉजिटिव भी होता है। प्लास्टिक का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, इस्तेमाल ना करें दोस्तों फॉल सीलिंग में, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, ये आपके घर में नेगेटिविटी लाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।